कोविड-19 में अपनी जान गंवा चुके व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भीलवाड़ा के बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में रक्तांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें 61 यूनिट रक्त संचय किया गया। रक्तदान शिविर से पूर्व भगवान बालाजी के पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर मृत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। शिविर में बालाजी मंदिर के अध्यक्ष अनिल मानसिंह का, एडिशनल SP गजेंद्र सिंह जोधा, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़, बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा, भूपेंद्र मोगरा, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, अनिल चौधरी आदि उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर आयोजक विक्रम दादिच ने कहा कि कोरोना वायरस से दिवंगत हुए व्यक्तियों की आत्म शांति के लिए इस रक्तांजलि का आयोजन किया गया है। इसमें हम रक्त पुष्प के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। ये रक्त निःशुल्क जरूरतमंदों को प्रदान किया जाएगा। ये रक्तदान नहीं है, ये रक्तांजलि है। रक्तांजलि का मतलब जो कोरोना महामारी के प्रकोप से जो इस संसार में दिवंगत आत्माएं हैं, इस संसार को छोड़कर विदा हो गई है, उनके परिवार और उनके जो है वो अपनी रक्त से रक्त अर्पण पुष्प अर्पण करेंगे आज, ताकि उन आत्माओं को हम शांति प्रदान कर सकें। श्री हनुमान जी की कृपा और बालाजी मंदिर के अंदर हमारे गुरुदेव पंडित आशुतोष जी शर्मा साहब के सानिध्य में आज हम रक्त पुष्प अर्पण कर रहे हैं, और कई परिवार जो इसमें अपने रक्त की आहुति देकर उन अपने दिवंगत आत्माओं को रक्त पुष्प अर्पण करेंगे। दिवंगत हुए परिजनों की स्मृति में आज बालाजी मंदिर में रक्त श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया है। भी व्यक्ति के असामयिक दुर्घटना या बीमारी महामारी में रक्त की आवश्यकता होने पर उन्हें तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। यह रक्तदान दिवंगत हुए कोरोना महामारी परिजनों की स्मृति में रखा गया है। इसके अंतर्गत दिवंगत हुए परिजनों के परिवार सदस्य भी खूब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।